टू थ्री। सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ये खूबसूरत आवाज मेरी नहीं है, ऑब्वियसली मैं सिंगर नहीं हूँ। मेरे साथ एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर है आज, वो चंडीगढ़ आई है, साधना सरगम जी, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आइए उनसे ना उन्हीं के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेकर आप तक पहुंचाते हैं। वेलकम टू माय चैनल मैम। थैंक यू मैम। आप चंडीगढ़ आई हैं, इससे पहले आप चंडीगढ़ आई हैं या फर्स्ट विजिट है? नहीं, पहले आई थी, बहुत पहले आई थी। घूमा आपने चंडीगढ़? थोड़ा बहुत, लेकिन चंडीगढ़ बहुत अच्छी जगह है, बहुत पसंद आया शहर। चंडीगढ़ में क्या खास लगा आपको, कुछ खाया पिया यहाँ का? मैं अभी तो आई हूँ, अभी तो शुरुआत है। कुछ इच्छा है यहाँ पर? नॉर्मली लोग आके इस मौसम में कहते हैं हमें ना साग खाना है, मक्की की रोटी खानी है। आपका क्या फेवरेट? बिल्कुल, ये दोनों नाम मेरे जहन में है, ढाबे पे खाना है कुछ। मैम आप चंडीगढ़ आई हैं, बहुत सालों से गा रही है, स्ट्रगल आपने बहुत किया है, तो आप जो आजकल के लोग हैं, क्योंकि आजकल इंडियन आइडल जैसे शोज हैं वो पहले नहीं बनते थे, आपको लगता है कि ये एक्चुअली प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो वर्कआउट लोगों के लिए कर रहा है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। ये एक बार कोई गाना अच्छा कोई गा जाता है तो आजकल तो बहुत बार 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 देखा जाता है उसको। वो लोग बहुत फेस से भी फेमस हो जाते हैं, पहले सिर्फ आवाज से और नाम से फेमस होते थे, अभी फेस के साथ फेमस हो जाते हैं। और फिर अगर किसी डायरेक्टर को पसंद आई उनकी आवाज़ तो उनको डायरेक्ट काम मिल जाता है। जैसे रियलिटी शो में श्रेया को सुन के संजय लीला भंसाली जी ने गवाया उसको, तो कितना बड़ा मौका मिला, आज उसका करियर बन गया। सुनिधि चौहान को भी उसमें से सुना था, तो इस फायदा जरूर होता है। बट आपको लगता है ये जो इंस्टेंट फेम मिल जाता है आजकल के जनरेशन को, दैट इज क्वाइट हेल्पफुल, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अच्छा गाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं खो जाते हैं कुछ टाइम के बाद? इंस्टेंट फेम मिलना, इसमें अच्छी बात यह है कि चलो फेम मिल गया, अभी आप आगे काम कर सकते हैं, फटाफट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आएंगी। और बहुत मुश्किल से कोई अपॉर्चुनिटी मिलना, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर कैपेबिलिटी हो, जैसे श्रेया में कैपेबिलिटी है, टैलेंट है, इसलिए उसको मौका मिलने के बाद उसने अपना करियर एक हाइट पे पहुंचाया। तो ये जो आपको लगता है, क्योंकि आपके टाइम पे ना जो राइटर्स थे बहुत सोच समझ के गाने लिखते थे, और आजकल जो गाने आ रहे हैं वो आपको पता है, तो आपको लगता है कि ऐसे गानों के साथ जो आप लोगों ने स्ट्रगल किया वो आज की जनरेशन भी एक्चुअल में कर पा रही है? इनका स्ट्रगल अलग है आजकल की जनरेशन का, हमारा अलग था। हमारे समय में मतलब एकदम खुद अपने आप को ओल्ड महसूस करने लगूं तो बहुत अलग किस्म के गाने, अगर मैं अपने आप को ठीक ठाक समझूं तो लगता है कि यंग जनरेशन उनके हिसाब से संघर्ष कर रहा है और उनका माहौल अलग है, उनका उनका एक्सपोजर उनको जो मिलता है वो अलग है। तो ऑफ कोर्स टाइम के साथ सब चेंज होता ही रहता है और होता ही रहेगा, संगीत भी बदलेगा। तो आने वाली जनरेशन को आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? बस आप लोग टैलेंटेड हैं, आपको बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, प्लेटफॉर्म भी अच्छे हैं, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, आप इसका फायदा उठाइए और संगीत का अभ्यास भी कीजिए। अब मैं पूछना चाहूंगी, आप कितनी देर संगीत का अभ्यास करती हैं आज के टाइम में भी? मैं सुबह जितना टाइम मिलता है, कम से कम एक घंटा या उससे भी ज्यादा, कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है तो पूरा दिन संगीत में ही बीतता है मेरा। तो अपना जाते जाते एक लाइन और सुना के जाइए। अरे नहीं, वो तो फिर मेरे दर्शक भाग जाएंगे, आप एक लाइन सुना दे। पहला नशा, आई थिंक पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ए दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। ये थी हमारे साथ सिंगर साधना सरगम, जो आज चंडीगढ़ पहुंची है एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चंडीगढ़ न्यूज वर्ल्ड, हम इसी तरह से किसी न किसी शख्सियत की आपको इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।